नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मेघदूत अवार्ड के बारे में। तो दोस्तों, मेघदूत अवार्ड जो है इंडिया पोस्ट के द्वारा दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को। ये एवरी ईयर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ये पुरस्कार। तो हर साल जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, तो जो भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ सराहनीय काम जो करते हैं, उनको ये इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो ये पुरस्कार मिलना दोस्तों अपने आप में ही इंडिया पोस्ट की तरफ से बहुत ही बड़ी बात है। पुरस्कार दोस्तों 8 कैटेगरीज में दिया जाता है, यानी कि हर साल जो है मेघदूत अवार्ड 8 एम्प्लॉयज़ को मिलता है उनके अलग अलग क्षेत्र में किए गए काम के बारे में। अभी उन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों मेघदूत पुरस्कार कब और क्यों दिया जाता है। तो मेघदूत पुरस्कार सबसे पहले उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम करते हैं, और उनके जो भी उनके अच्छे काम किए होते हैं ताकि वो भविष्य में भी ऐसे अच्छे काम करते रहें, इसके लिए उनको प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड किसी को दिया जाता है तो वो व्यक्ति खुद तो मोटिवेट होता ही है, साथ में किसी और जो दूसरे व्यक्ति हैं, अन्य ऑफिशियल्स हैं, उनको भी उनसे प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों बात करें इसकी, ये कब शुरुआत हुई थी। तो 1984 में मेघदूत अवार्ड की शुरुआत करी थी। सबसे पहले 1984 में मेघदूत अवार्ड को दिया गया था। तो इसमें मेघदूत अवार्ड जब दिया जाता है तो 21,000 रुपीज़, यानी कि 21,000 रुपये की नकद राशि उस एम्प्लॉय को दी जाती है, और साथ में उसको एक मेडल दिया जाता है, और मेडल के साथ में एक सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है। मेघदूत अवार्ड को दोस्तों नेशनल लेवल पर दिया जाता है, यानी कि पूरे इंडिया के, इंडिया पोस्ट के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सभी को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और तो टोटल अपनी अपनी कैटेगरीज़ में जो भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको जो है 8 अवार्ड दिए जाते हैं इस प्रकार से। तो ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है और न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन सभी की प्रेजेंस में इसको अवार्ड को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं उन कैटेगरीज़ की, किस किस कैटेगरीज़ में दिया जाता है ये अवार्ड। तो सबसे पहले कैटेगरी है दोस्तों ऑल GDS की, यानी कि ऑल ग्रामीण डाक सेवक। तो जितने भी GDS हैं अपनी कैटेगरी में जो भी सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं, तो सभी GDS में से नेशनल लेवल पर एक GDS को ये हर साल पुरस्कार दिया जाता है। तो सेकंड कैटेगरी है दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टल या फिर RMS डिवीज़न में, या फिर MMS जो है मेल मोटर सर्विस डिवीज़न में, या फिर हेड पोस्टमैन, शॉर्टिंग पोस्टमैन, मेल गार्ड, मेलमैन, कैश ओवरसील, मेल ओवरसील, इन सभी लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो, तो इन सभी को एक कैटेगरी में रखा गया है। तो इस कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ काम करता है उसको एक मेघदूत अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों थर्ड कैटेगरी है पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, या फिर जो सिंगल हैंडेड SPM होते हैं RMS लेवल में या फिर MMS लेवल में, स्टेनोग्राफर Grade 1 और Grade 2 के। तो इस लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको थर्ड कैटेगरी में अपने काम में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको मेघदूत अवार्ड दिया जाता है। बात करें दोस्तों फोर्थ कैटेगरी की, तो फोर्थ कैटेगरी है दोस्तों जनरल लाइन सुपरवाइजर कैडर इन ऑल विंग्स अप टू इंक्लूडिंग HSG 1, यानी कि हायर स्केल ग्रेड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं HSG 1 तक, उसके लेवल तक जितने भी सुपरवाइजर होते हैं सभी को इस कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की, या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, या फिर जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विंग्स में, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स जो अकाउंट ऑफिस में काम करते हैं, तो इसमें जो अपने काम में बेहतर होते हैं उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है फिफ्थ कैटेगरी में। तो सिक्स कैटेगरी है दोस्तों ऑल ग्रुप बी ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर अप टू STS सीनियर टाइम स्केल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, या फिर जो फॉरेन पोस्ट में काम करते हैं, फॉरेन पोस्ट, पोस्टल स्टोर, डिपो, PSDs, CSDs, प्रिंटिंग प्रेस, प्राइवेट सेक्रेटरीज, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट इंजीनियरिंग वर्किंग इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल विंग्स। तो इस कैडर के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कैटेगरी नंबर 6 में रखा गया है, उनमें से हाइएस्ट को नेशनल लेवल पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो कैटेगरी नंबर 7 है दोस्तों टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस, ये भी सीनियर टाइम स्केल के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन एम्प्लॉयज़ तक ये अवार्ड दिया जाता है। तो जैसा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो CEPT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ को इस कैटेगरी में रखा गया है। तो अपने जो भी उस कैटेगरी में है जिनका हाईएस्ट अच्छा काम होता है उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। तो बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय की, तो जितनी भी हमारी महिला जो कर्मचारी हैं इस विभाग की, तो सभी को इस कैटेगरी में रखा गया है। ग्रुप बी ऑफिसर तक जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वुमेन एम्प्लॉयज़, तो जो भी बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय होती है उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है, तो उनको इस मेघदूत अवार्ड से नवाजा जाता है।
तो अभी रिसेंटली दोस्तों ये बात चल रही है कि डाक सेवा अवार्ड दोस्तों ये बंद हो गया है। तो डाक सेवा अवार्ड दोस्तों अलग चीज़ है और ये मेघदूत अवार्ड जो है वो अलग चीज़ है। तो मेघदूत अवार्ड दोस्तों ये बंद नहीं हुआ है, डाक सेवा अवार्ड 4 तारीख से यानी कि 4 नवंबर 2022 से विद इमीडिएट इफेक्ट ये बंद कर दिया गया है। तो डाक सेवा अवार्ड दोस्तों ये सर्कल लेवल पर इसको दिया जाता है, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो भी अच्छा काम करते हैं तो उनको डाक सेवा अवार्ड दिया जाता है। डाक सेवा अवार्ड में एक उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और 5,000 रुपये की उनको राशि दी जाती है। तो वो जो डाक सेवा अवार्ड था जो ऑनरेबल CPMGs के द्वारा दिया जाता है उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन मेघदूत अवार्ड जो नेशनल लेवल पर दिया जाता है जिसमें प्राइस उसका 21,000 रुपीज़ है और साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसको नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो इसको बंद नहीं किया है दोस्तों। ये ऐसे ही कंटिन्यू है, इसको हर साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा और हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जो भी डाक विभाग में सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है या उसको खुद को मोटिवेशन मिलता है, इसके लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। तो दोस्तों ये है मेघदूत अवार्ड 2021 यानी कि 2021 में जिन्होंने बहुत ही सराहनीय काम करे हैं उनको अपनी कैटेगरी वाइज टोटल 8 जो ये एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेघदूत अवार्ड दिए गए हैं। अभी 2022 में ये मेघदूत अवार्ड फंक्शन जो है इसको लिया था। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हैं श्री अशोक कुमार साहू जी GDS BPM जो अपनी ऑल ग्रामीण डाक सेवक की कैटेगरीज में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इनको दोस्तों ये मेघदूत अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों सेकंड कैटेगरी में इन श्री प्रेमालाल जी MTS है उदयपुर सब पोस्ट ऑफिस के हिमाचल प्रदेश सर्कल के, इनको सेकंड कैटेगरी में मेघदूत अवार्ड दिया गया है। तो थर्ड कैटेगरी है दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट कैडर की, तो इनमें श्री धनंजय टी इनको दिया गया है मेघदूत अवार्ड, पोस्टल असिस्टेंट हैं ये ऑफिस ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर कर्नाटका सर्कल के। दोस्तों फोर्थ कैटेगरी जो हमारी सुपरवाइज़र की कैटेगरी थी, तो उस कैटेगरी में दोस्तों श्री विजेंद्र सिंह राणा जी जो टेक्निकल सुपरवाइज़र है मेल मोटर सर्विस के नारायणा दिल्ली सर्कल में, इनको ये इस मेघदूत अवार्ड से नवाजा गया है इस कैटेगरी में। तो इनका तो दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी हमारी जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या फिर अकाउंट ऑडिट ऑफिसर AAO, इस कैटेगरी में दोस्तों श्री संदीप गुंडू कड़गांवकर जी हैं जो गोवा रीजनल ऑफिस में काम करते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पद पे, तो इनको दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ऑल ग्रुप बी ऑफिसर्स जो सीनियर टाइम स्केल तक के आते हैं, उन सभी को इस कैटेगरी में रखा गया है। तो इस कैटेगरी में श्री रणधीर कुमार जी इनको इस मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सर्कल ऑफिस बिहार सर्कल पटना में। तो नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों टेक्निकल एक्सीलेंसी की, तो श्री छल्ला श्री नागेश जी हैं डेप्यूटी मैनेजर CEPT के हैदराबाद के, तो इनको इस कैटेगरी में जो है मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और लास्ट कैटेगरी है दोस्तों जो वुमेन एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी है, तो उन कैटेगरी में श्रीमती के कलाईवनी इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मेघदूत अवार्ड से। ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं टेक्निकल एंड BD डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर जनरल साउथर्न रीजन मदुरई तमिलनाडु सर्कल के लिए। तो इस कैटेगरी में दोस्तों इनको इस सम्मान से नवाजा गया है मेघदूत अवार्ड से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।